अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहे, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब, आज फिर हो रही है आप लोगों से मुलाकात, और यहाँ पे हो रहा है रंग रोगन, खूबसूरत सजाए जा रहे हैं अपने पौधों के जो है वो पार्ट्स वगैरह। और ये हैं प्यारी सी सबा, और सबा का जो है वो धूप सेक रही थी, और धूप सेकते सेकते साथ में जो है वो अपना फ़न भी कर रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की भी मुलाकात करवाई जाए आज सुबह सवेरे कुछ पौधों से। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त शानी, जिसे कहना चाहिए कि एक धूप निकली हुई है, और अच्छा दिन है आज का, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप लोगों को सबको पता ही है कि पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है, और ठंड होने की वजह से वो बस हम भी यख हुए हुए हैं, कोई वीडियो शीडियो नहीं बना रहे। तो खैर जनाब, ये हम दे रहे हैं खुद को इज़्ज़त, और ये ख़ुद को इज़्ज़त देने का ही टाइम है। तो आपको यकीनन मेरी बात सुन के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होगी, या हो सकता है अच्छा भी लग रहा हो। मैं भी, और अच्छा तो यकीनन लगना चाहिए कि ख़ुद को इंसान ख़ुद जब तक इज़्ज़त ना दे तो दूसरे कभी भी आपको इज़्ज़त नहीं देते। तो यहाँ पे हमारा फ्रूट टाइम था, जो कि सबका बचा कुचा सब जब खा चुके, तो जो बाकी बचा था उसको हमने सजा सजू के अपनी प्लेट बनाई, और अपना भी ख्याल आया। तो यहाँ पे बना रही हूँ जनाब मैं बाजरे की रोटी। तो मैंने आप लोगों से बोला था मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं बाजरे की रोटी कैसे बनाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया और उसका घोल बना लिया, अच्छे तरीके से उसको घोला, और जब तक आप बिलीव नहीं कि हाथ से नहीं घोलेंगे ना, तब तक उसकी गुठलियाँ ख़त्म नहीं होंगी। नीम गर्म पानी में मैंने इसको बनाया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो हमारे यहाँ, तो इस वजह से मुझे जो है वो थोड़ा सा पानी को नीम गरम करना पड़ा। नीम गरम करने के बाद मैंने इसमें पानी डाला, और इसको हाथ की मदद से, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, दिखा रही थी कि मैंने इसे खूब हाथ से जो है ना मैश किया, मैं गलत बोल रही हूँ क्या, मैंने इसको मिक्स किया अच्छे से। तो जनाब, इसको जो है ना मैंने दो मर्तबा छाना आटे को ना। टिप ये है कि इसको अच्छे तरीके से अपने छानने से जो है ना वो, पता नहीं कोई हवा गुजरती है दरमियान में से, या अल्लाह जाने क्या होता है, आई डोंट नो, लेकिन सुनने में आया है कि छानने से जो है ना बहुत स्मूथ किस्म की आपकी एक वो बनती है। और जनाब यहाँ पे हमारी रोटी बन के तैयार हो गई, और एक हाथ से आपको पता है बहुत मुश्किल है, कि मैंने उसको पहले प्याली में डाला, यानी कप में डाल के उसको मैंने रोंड 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 करके ऐसे तरीके से बस उसको डाला। वो फिर किसी टाइम अगली वीडियो में सही। और सामने मेरी जी आ रहा है केक, और ये मैं अमान साहब के लिए 3-4 दिन से जो सुबह सवेरे वो सफ़ेदियाँ सिर्फ लेते हैं, इसमें ब्रेकफास्ट में सफ़ेदी लेते हैं तो जर्दी बच जाती है, तो वो बची हुई जर्दियों से मैंने केक बनाया शाम की चाय के लिए, और वो केक आपके सामने है। और इधर जी आई है ईमान फातिमा की नई साइकिल, और वो नई साइकिल के साथ जो है कर रही है, खेल रही है। और इधर एक मानो बिल्ली मेरे पाँव में आई हुई है, और वो कह रही है कि मुझे जो है ना वो करो, लाड करो, तो उसके साथ मैं साथ साथ लाडियाँ भी कर रही हूँ। काश मैं आप लोगों को लाइव दिखा सकी, कि वो इतने मज़े ले रही है ना मानो बिल्ली मेरे पास इस टाइम। तो ये मेरी अपनी मानो बिल्ली है जो कि साइकिल चला रही है। तो व्लॉग पता है बहुत ज़्यादा छोटे बनाओ ना, फिर भी मज़ा नहीं आता कि क्या आप लोगों को बंदा लाइफ अपडेट्स दे ना। ओके डियर, है तो ये थोड़ा छोटा ही, लेकिन गुजारा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।